हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज उस टॉपिक का नाम है, देख रहे हैं, जैसा कि खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। यानी खेल का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूज वाली मैटर ये होती है कि उस खेल में कितने खिलाड़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कन्फ्यूजन वाली मैटर हटा दीजिए और कन्फर्म हो जाइए। तो एक ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम है P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली। तो फ्रेंड्स, समझते हैं, अगर ये जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, P4 का मतलब क्या होता? तो खेल का नाम P का मतलब होता है फ्रेंड्स पोलो, और बास्केट का मतलब क्या होता? बास्केटबॉल। उसके बाद होता है फ्रेंड्स बॉल का मतलब क्या होता? वॉलीबॉल। उसके बाद होता है फ्रेंड्स ने का मतलब क्या होता? तो ने का मतलब होता है फ्रेंड्स नेटबॉल। उसके बाद है जी का मतलब क्या होता? तो जिमनास्टिक। उसके बाद है फ्रेंड्स खो का मतलब क्या होता? तो खोली का मतलब होता है खो। खो खो एक खेल है फ्रेंड्स। तो अब हम लोगों ने जान गए हैं कि P4 का मतलब क्या होता। पी का मतलब P4 पोलो, बास्केट का मतलब बास्केटबॉल, बॉल का मतलब वॉलीबॉल, नेक का मतलब नेटबॉल, जिम का मतलब जिम्नास्टिक, और खोली का मतलब खो खो। ट्रिक याद रखिएगा फ्रेंड्स, फिर से ट्रिक को दोहराते हैं। ट्रिक है P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली। अब देखते हैं इनके खिलाड़ियों की संख्या क्या है। देखिए, P4 लिखने के पीछे कुछ इसके पीछे रहस्य है, सेक्रेट है। तो सेक्रेट क्या है? P4 तो पोलो कर दिए, लेकिन ये 4 का मतलब 4 होगा। अब इसके बाद से कंटिन्यू चले जाइए। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला जाए तो बास्केटबॉल, तो बोला जाए इसमें 4 तो बास्केटबॉल में 5। उसके बाद वॉलीबॉल 6, नेटबॉल 7, जिम्नास्टिक 8 और खो खो 9। तो फ्रेंड्स देख लिए, बिल्कुल कंटिन्यू से याद कर लेना है। P4 से स्टार्ट होगा और ये 9 तक जाएगा। तो इस प्रकार से इस खेल में इतने इतने खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो आप अपने सजेशन को हमें कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।